फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश्वरी रसोई। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी टिप शेयर करने वाली हूँ। नॉर्मली जब हम इडली या डोसा कुछ बनाते हैं तो हमारा बैटर बच ही जाता है और समझ भी नहीं आता उस बैटर का हम क्या करें। उससे हम एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं। वो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। मेरे पास है ये सूजी की इडली का बचा हुआ बैटर, जिसके साथ हम बहुत ही टेस्टी मंचूरियन बनाएंगे। इस बैटर को भी हम 10 मिनट के लिए एक तरफ रख देते हैं और इतने हम आगे की तैयारी करते हैं। बहुत ही टेस्टी मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है। पैन के अंदर 2 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसके अंदर मैंने ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 5-6 कलियां लहसुन की हैं जिसे एक साथ पीस लिया है वो डाल देंगे। अच्छे से भून लेंगे जिससे लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। और कुछ सेकंड बाद हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज, जिसे मैंने एकदम बारीक काट लिया है, वो डाल देंगे, वो भी भून लेंगे। जैसे ही प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट होता है इसके अंदर हम डाल देंगे एक बड़े साइज का टमाटर, जिसे मैंने एकदम बारीक बारीक काटा हुआ है, और वो भी भून लेंगे। और टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, इससे टमाटर जल्दी कुक हो जाएगा। हमें सब्जियों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च, जिसे इस तरीके से चकोर काट लिया है, वो भी डाल देंगे। शिमला मिर्च डाले हुए मुझे 1 मिनट हो गया है। बस इसी समय मैंने ली है ये 2 बड़े साइज की प्याज, जिसे इस तरीके से चकोर काट लिया है, वो भी डाल देंगे। इससे मंचूरियन देखने में भी ज्यादा अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और इसे हम थोड़े से पानी के साथ घोल लेंगे। प्याज भी हल्का सा फ्राई हो गया है। इसी समय हम इसमें डालेंगे 2 बड़े टमाटरों की प्यूरी और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही हमारी सॉस पकती है इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जितनी चिली सॉस, तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून टमाटर सॉस और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून जितनी सोया सॉस। सोया सॉस डालते हुए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें ये बहुत ज्यादा नमकीन होती है और इसकी मात्रा ज्यादा हो जाने से मंचूरियन का टेस्ट भी खराब हो जाता है और कलर भी। 1 टेबल स्पून विनेगर, विनेगर काफी खट्टा होता है और इसको हल्का सा थिक करने के लिए हमने जो कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के रखा था वो मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है इसलिए डालने से पहले एक बार हिला जरूर लें। अब हम सॉस को 5 मिनट तक इसी तरीके से पकने देंगे। बस अब ढक्कन लगा देंगे और हम 5 मिनट तक इसी तरीके से पकने देंगे, जिससे कॉर्नफ्लोर भी अच्छे से पक जाएगा। अब मैंने लिया है 1 अपम पत्रा और ये बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसे मैंने गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है और इसमें हम सभी खांचों में 1 से 2 ड्रॉप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसमें बहुत कम ऑयल लगता है क्योंकि ये नॉन स्टिक होता है, सिर्फ इतना इतना सा। हमारे ये जो इडली का बैटर था ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसमें ये 1/2 टीस्पून हम इनो डाल देंगे। आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, इसमें बेकिंग पाउडर डालकर काम नहीं चलेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी बीच अपापत्रा भी अच्छे से गर्म हो गया है और इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जितना बैटर डाल देंगे। 30 से 40 सेकंड के लिए ढक्कन लगा देंगे। अगर आपके पास अपापत्रा नहीं है तो आप इसे इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली इडलियां बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप बना लीजिए। बस 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं, पैन को ढक्कन हटा देंगे और अपो को टर्न कर लेंगे। अगर हम इसमें सोडा डालते तो अपे बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं और इनो की वजह से इनमें ज्यादा तेज कलर नहीं आएगा, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सभी अपो को मैंने टर्न कर दिया है। अब दूसरी तरफ से भी हम इन्हें 30 से 40 सेकंड तक सिकने देंगे। 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं और सूजी को सिकने में ज्यादा समय नहीं लगता, मात्र 2 मिनट में ही हमारे अपे सिक जाएंगे क्योंकि हमारा अपापत्रा अच्छा गर्म था।
और इन्हें हम अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। सेम प्रोसेस से मैंने बाकी के अप्पे भी सिकने के लिए रख दिए हैं। हमारे ये दूसरे बैच के अप्पे भी सिककर तैयार हो गए हैं, इन्हें भी अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। और सॉस भी हमारी तैयार हो चुकी है, अप्पे भी हमारे तैयार हैं। मिक्स कर देंगे और देखिए ये देखने में ही इतने अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और बनाने में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगा। बस अब एक मिनट के लिए हम पैन को और ढक देंगे और एक मिनट बाद पैन का ढक्कन हटा देंगे। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बस 8-10 काली मिर्ची जिसे एकदम बारीक कूट लिया है वो डाल देंगे। आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। एकदम नए तरीके से बने हुए हमारे ये बहुत ही स्वादिष्ट मंचूरियन बनकर तैयार हैं। मंचूरियन की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। ये हमारे बहुत ही टेस्टी मंचूरियन बनकर तैयार हैं और हमने इसे इडली के बैटर के साथ बनाया है, इसलिए ये टेस्टी होने के साथ साथ थोड़े यूनिक भी हैं। ये रेसिपी आपको और आपके बच्चे को जरूर पसंद आएगी, आप एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे।